बरसों से एक मांग थी प्राइवेट स्कूल से, जो हमारे प्राइवेट स्कूल है तमाम जिले में, कुलगाम जिले में जो भी प्राइवेट स्कूल है, उनकी मांग थी कि एक मेगा इवेंट, एक ग्रैंड मीटिंग यहाँ पे की जाए अहराबाद में, ताकि हम दूर दूर से जो हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर आने उनको भी बुलाएं और हमारे जो सरपरस्त है डॉक्टर जी एन वार साहब उनको भी मदद करें इस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा ये मकसद था कॉन्फ्रेंस का, जो हम टू द पॉइंट रहने की बात करेंगे कि हमारा जो मकसद है, पहला तो सबसे पहला ये मकसद है कि हम एजुकेशन देते हैं अपनी नई पीढ़ी को और अपने फ्यूचर जनरेशन को। कश्मीर से हमारे एक है वो नोरा बाका कौसना को गंडी को कहना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, पब्लिक आउटरीच एक किस्म का था यहाँ पे कि हम बच्चों को एक क्वालिटी मियारी तालीम दें। निजी स्कूल्स में बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है और एक फेयर प्राइस रेट पे आपको तालीम मिलती है आपकी। तो बच्चों से हम ये नहीं कहेंगे कि आपके स्कूल में अपना मुस्तकबिल बनाएं, लेकिन ये कहेंगे कि आप वहीं अपना मुस्तकबिल बनाएं जहां आपको लगता है कि कल जाके मैं किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा और जहां कल जाके मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना रोल बना सकता हूं। एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ कहेंगे आज के? ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मीटिंग थी आज, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल ओनर्स की मीटिंग थी, प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी। इस तरह की मीटिंगें हमारी लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, फिर ये स्टेट लेवल पे भी होती हैं। गर्ज ये होता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे बात करें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब लागू हो चुकी है उसके ताल्लुक से स्कूलों को क्या दिखते हैं उस पे बात हो जाए। बुनियादी मकसद ये है कि एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक हो, बच्चे के ताल्लुक से सोचा जाए, बच्चे की तालीम के ताल्लुक से सोचा जाए, क्योंकि बच्चा एक कौम का मुस्तकबल होता है। अगर बच्चा सेफ़ है तो कौम सेफ़ है, अगर बच्चे की तालीम अच्छी नहीं है, उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो कौम भी अनसेफ़ है, मुल्क भी अनसेफ है। इस ताल्लुक से ये आज मीटिंग है जो है आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हो गई, जिसमें मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम स्कूल्स ने आज इसमें पार्टिसिपेशन की, जिसमें हमारे जिम्मेदार लीडरान जो यहाँ के हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन की। और बुनियादी तौर हमारा मकसद यही है कि क्वालिटी एजुकेशन पे तवज्जो दी जाए और उसके साथ एनईपी को लागू करने में जो दिक्कतें हैं उनको हाईलाइट किया जाए। देखिए, डाउन द लाइन हर एक जानता है कि सेशन, ये जो मार्च सेशन होगा, ये यहाँ के हालात के मुताबिक ठीक नहीं है, मौसम के ताल्लुक से ठीक नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि मार्च सेशन की वजह से हमारे बच्चों को 125 से भी ज़्यादा कम वर्किंग डेज मिल रहे हैं, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 222 दिन की और बोर्ड की रिक्वायरमेंट देखें तो 180 डेज तो होने ही चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को मार्च सेशन की वजह से 125 से कम दिन मिल रहे हैं पढ़ने के। इससे काफ़ी एकेडमिक लॉस हो रहा है और चूँकि अब इलेक्शन का बिगुल अब बच चुका है, जो भी अब नई सरकार होगी हमारा पहला मुद्दा ये होगा कि सेशन को वापस किया जाए, क्योंकि ये ज्यादती है यहाँ इस कौम के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, पूरे मुल्क के साथ ये ज्यादती है, क्योंकि अगर तालीमी ग्राफ कम होता है तो ये नुकसान पूरी सोसाइटी का है। इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है, पोजिशन ये है कि 10% पिछले 3 सालों में लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है और अभी सरकार की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ 550 स्कूलों में 62,000 बच्चे तकरीबन इस वक्त स्कूल छोड़ चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस सेशन की वजह से जो लर्निंग गैप्स हो गई, जो लर्निंग आउटकम होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बच्चों को वो पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारी ये हमेशा पॉलिसी रही है और इस वक्त भी हमारा ये रेजोल्यूशन है कि जो ही नई सरकार आएगी हमारा पहला मुद्दा होगा कि सेशन को वापस किया जाए। देखिए, सिंपल सी बात है, दिस इज वेलकम स्टेप, हम इसका खुश आमदेद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बात जो हम आपके मीडिया के ज़रिए सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे कि आई वॉश नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ कागजी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि चैरिटी बिगिंस एट होम, लेट इट स्टार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, पहले वहाँ से स्टार्ट हो। इसमें सरकारी टीचर को निशाना बनाना ये अच्छी बात नहीं है, मुलाजिम ही है चाहे कोई भी हो, चैरिटी बिगिंस एट होम, लेट देम स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, नॉट फ्रॉम डाउन टू टॉप, हम इसका वेलकम करेंगे। हमें इंतहाई खुशी की बात है अगर सरकार इस ऑर्डर पर अमल करती है। मैं इनको कहूँगा कि ये तालीम के मजनून है, ये मुश्किलात के बावजूद भी इस तालीम की शमा को रोशन किए हुए हैं। सरकार के मुश्किलात, सरकारी तरफ से जितने भी मुश्किलात हों या फिनंशियल कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हों, मेरी सिर्फ स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान से, मालिकान से एक ही गुजारिश है कि इस तालीम को आप आखरत में सदक जारिया बनाइए, नजात का ज़रिया बनाइए, क्वालिटी एजुकेशन पर काम करिए, चाहे मुश्किलात कितने क्यों ना हों, लेकिन ये शमा बुझ ना पाए।